हेलो स्टूडेंट्स, इट इज साइंस क्लास एंड माई सेल्फ एस एन चौधरी योर साइंस टीचर इन क्लास सिक्स साइंस सेकेंड चैप्टर डैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और इसमें आपको जो करना है उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो आप समरी लिखेंगे इस चैप्टर की जो लास्ट में दिया गया है। समरी देख लेते हैं कहाँ दिया गया है, एक एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ समरी दिया गया है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। समरी को चैप्टर के सबसे पहले लिखेंगे। इसमें आप चाहे तो पॉइंट करके लिख सकते हैं कि पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। ये आपके जो कंपोनेंट हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट जो आपको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं लगभग सब में पाया जाता है, प्रोटीन्स दाल में पाया जाता है, विटामिन्स सब्जी है, फल है और सब चीज़ें में पाया जाता है, मिनरल्स ज़्यादातर वेजिटेबल्स में रहता है या वाटर में भी रहता है, डाइट्री फाइबर मतलब जो रेशेदार फल होते हैं भी सब्जियों और फलों में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अस, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देते हैं, एनर्जी। कोई कहे एनर्जी का सोर्स क्या है तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब फैट किसे मिलते हैं, घी है, बटर है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, पोटैटो है, चावल है, ये सब है। प्रोटीन आर एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में टेबल बनाना शुरू करेंगे। आप जितने टेबल देखो, कौन कौन से टेबल हैं, कौन कौन से फिगर हैं, उसको बनाना है आपको। यहाँ देखिए, ये टेबल आपको बनाना है, ये टेबल आपको बनाना है। जो टेबल नहीं बन पाएगा मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा। जैसे इसमें क्या दिया गया है, एक टेबल आपको समझा दिया जाता है। यहाँ पे देखो, इसे आप लिखा है पंजाब, उसके बाद लिखा है आंध्र प्रदेश। तो पंजाब में जो लिखा हुआ है आइटम ऑफ ग्रेन, जैसे मकई, मकई मतलब होता है ऐसे भुट्टा हम लोग खाते हैं, उसी का लोग रोटी खाते हैं। और यहाँ पे आइटम दाल और मीट में क्या लिखा हुआ है, राजमा, राजमा आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद वेजिटेबल में क्या लिखा है, सरसों साग। फिर यहाँ पर अदर्स में क्या लिखा है, कर्ड या घी। तो स्पेशल डिश है पंजाब की मकई की रोटी। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश में है राइस। इस तरह से आप फिल करेंगे पूरा। लिखा है सम कॉमन मेल ऑफ डिफरेंट रीजन आर स्टेट, तो अलग अलग स्टेट का आप लिखेंगे। इंटरनेट पे जाएंगे तो पूरे देश में जितने स्टेट हैं सबका मिल जाएगा। फिर देखेंगे अगला टेबल, ये टेबल बनाना है आपको। उसके आगे सब चीज़ बताया गया आपको, ये फिगर बनाना आपको, ये सारे फिगर आपको ड्रा करने हैं यहाँ के, ये सारे फिगर ड्रा करने हैं, ये भी फिगर ड्रा करना है, ये भी टेबल आपको बनाने हैं, ये टेबल बनाने हैं, ये टेबल, ये टेबल आपको बनाने हैं। और इधर से ये टेबल बनाना है। और यहाँ देखिए कीवर्ड लिखा है, जैसे बैलेंस डाइट है और बेरी बेरी है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी है, फैट है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, रफेज है और स्कर्बी है और स्टार्च है, विटामिन्स है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं कीवर्ड में मिल जाएंगे समरी में। जैसे विटामिन्स के लिए आपको मैंने लिखना है, विटामिन्स यहीं कहीं होगा, देखिए लास्ट में विटामिन्स दिया गया है। तो लिखेंगे विटामिन हेल्प इन, क्या लिखा, देखिए विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़।
और बाकी मान लिया इसमें से कुछ हैं तो और आगे हम मिल जाएंगे फिर साइज में। द मेजर न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, कौन कौन है? अभी आपको बताया गया है समरी के पहले में ही दिया गया है, एनर्जी देने वाले कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे दो क्या क्या लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो फिर इन द ब्लैंक्स में भी आपको कुछ मिल जाएगा आंसर यहाँ पे। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का कीवर्ड लिख सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काजेस बेरीबेरी डिजीज, यहाँ भी हो जाएगा। इसमें देखिए इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिकेट्स, एक रोग होता है हड्डियों का। तो एक्सरसाइज इस तरह से आपको करना है, तो एक्सरसाइज के पहले क्या करेंगे उसको देख लीजिए, एक्सरसाइज के पहले आपको क्या करना है। ये देखिए आपको यहीं से लिखना शुरू करें, पहले आप समरी लिख लेंगे, ठीक, समरी लिख लिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे सारे कीवर्ड दिए गए हैं, इन कीवर्ड को भी लिखना है। उसके बाद में देखिए कीवर्ड के बाद में यहाँ पे कुछ की नोट्स दिए गए हैं, जैसे प्रोसेस को देख लेते हैं ठीक से। न्यूट्रिएंट्स दिया गया है, फूड सब्सटेंस डेट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द बॉडी, उनको क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, वही समरी वाली लाइन आप देख रहे हैं इसको ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, वही है, इसको दोबारा नहीं लिखना है। कार्बोहाइड्रेट सेलोज एंड सोर्स दिया गया कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ फैट दे दिया गया, मिनरल्स दे दिया गया, प्रोटीन लिखा है, विटामिन्स लिखा है, रफेज लिखा है, बैलेंस डाइट लिखा है, सारे कीवर्ड इसी में है। डिफिशियंसी डिजीज है ना, और ये क्या लिखा है, ये मेल न्यूट्रिएन, यहाँ पे अंडर न्यूट्रिएंट्स। व्हेन ए पर्सन ईट एनफ ऑफ फूड बट हिज डाइट इज अनबैलेंस्ड, इट इज नोन एज माल न्यूट्रिएंट्स। मतलब वो खाने को खूब खा रहा है लेकिन उसका कंप्लीट नहीं है न्यूट्रिएंट्स, मतलब सारे पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और अंडर न्यूट्रिएंट्स ए पर्सन ईटिंग सफिशियंट फूड टू मेंटेन फूड हेल्थ इज सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, मतलब सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सब समस्याएं हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पे है कासर कोर, ये प्रोटीन के द्वारा होने वाला रोग है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेरेस्मस, ये भी सब डिजीज हैं ये सब। विटामिन डी एंड कैल्शियम रिकेट्स, रिकेट विटामिन डी की कमी से होता भी बताया गया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग होने लगती है दांतों मसूड़ों से। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, यहाँ गले के पास घेघा निकल जाता है। आयरन से एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी। विटामिन के ब्लीडिंग डिजीज, जैसे रक्त का थक्का नहीं जमता है इस कंडीशन में। बेरीबेरी विटामिन, कई प्रकार के विटामिन भी एक कॉम्प्लेक्स, मतलब कई प्रकार के विटामिन इसमें होते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, तो सारा आपका कीवर्ड ख़त्म हो गया। कीवर्ड के बाद में बाबू यहाँ पे शुरू हुआ है क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हुआ है चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। लिखा है मेजर न्यूट्रिएंट्स, नेम द फॉलोइंग, अपने द फॉलोइंग में द प्रोटीन व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। पहले कीवर्ड में दिया गया था क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कीवर्ड अभी हमने पढ़ा है आप देखें। नेम टू फूड ईच रिच इन, दो फूड आइटम बनाना है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, फैट के दो सोर्स बताने हैं जिसमें फैट मिलता हो, बटर है, कोकोनट है, घी है, कोई भी आप दो लिख सकते हैं। स्टार्च है, स्टार्च किसमें पाया जाता है, स्टार्च के लिए राइस पोटैटो, और डायट्री फाइबर के लिए ऑल ग्रेन एंड फ्रेश फ्रूट। प्रोटीन के लिए मिल्क है, फिश है, और सबसे अच्छा सोर्स इसका जो है
और इसमें मूंगफली हो गया, जो दाल वोल है, मूंगफली प्रकार की दाल, मतलब जिसमें दलहन फसल जो है वो सबसे अधिक अच्छी होती है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। दाल का सेवन ज़रूर करें इसीलिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का काम प्रोटीन ही करता है। यहाँ पे टिक करना है केवल, टिक द करेक्ट, जैसे बाई ईटिंग राइस एलान वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी। क्या खाली चावल खाएं और सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं, गलत जवाब। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग ए वराइटी ऑफ फूड आइटम। वेरी गुड, सही है। मतलब कई प्रकार के भोजन खाएंगे तो आपकी डिफिशियंसी डिजीज जो है वो दूर हो जाएगी। बैलेंस डाइट फॉर ये बॉडी शुड कंटेन ए वराइटी ऑफ फूड। सही है, बैलेंस डाइट में क्या होगा? पपीता खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, और आप करेला खाइए, भिंडी खाइए, दूध पीजिए, मतलब कई प्रकार जितना चीज़ आप विभिन्न प्रकार के आइटम खाइए, या नहीं केवल दाल चावल या सरपुतिया खा रहे हैं, नहीं, अलग अलग प्रकार के फूड आइटम खाना चाहिए। मीट अलोन ए सफिशियंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, गलत, मीट यहाँ पे नहीं है, अगर मिल्क होता तो हो सकता था। और ये सारी चीज़ें देखिए, रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन वे काजेज वेरी, विटामिन ए सी से स्कर्वी रोग। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? जल्दी बताइए, विटामिन ए से। वेरी गुड, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर नंबर सेकंड ख़त्म हुआ। एक दो बच्चे कहे थे कि सर जो है इसको सेकंड चैप्टर दोबारा बता दीजिए, भेज दीजिए, तो इसलिए इसको किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करके और कॉपी जो है मेरे पास आप सेंड करें। इतनी आपसे जो है कहना है, इतनी बातें, बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।